आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, राजा हमारे रामा हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। जय श्री राम। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शारदा चौधरी, क्रिएटिव साधना एसोसिएशन की फाउंडर और प्रेसिडेंट। आज के हमारे क्रिएटिव साधना संस्कृति में मैंने एक बहुत ही अच्छे अनुभव को आप सबसे शेयर करने का विचार किया है। मगध तैलिक समाज महिला समिति की प्रकोष्ठ अध्यक्ष रश्मि साहू, जो मेरी बहुत ही अच्छी सखी हैं, उन्होंने मुझे इस सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ये कि रश्मि बेबाक और सच्चाई का साहस से सामना करने वाली बहुत ही गुणी और महिला हैं, जो एक ब्यूटीशियन भी हैं और मिसेस इंडिया भी रह चुकी हैं, और उन्होंने इस समारोह का रश्मि ने इस समारोह का बहुत ही खूबसूरती से शुरुआत की। नारी के सम्मान में उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं बोलकर, और ख़ासकर उन्होंने लोगों से ये कहा कि नारी का सम्मान कोई एक दिवस का विषय नहीं है, नारी का सम्मान तो रोज़ होना चाहिए, और पूजा नहीं, नारी का सम्मान करना सीखें। तो मुझे रश्मि की ये बातें बहुत अच्छी लगी। सो धन्यवाद रश्मि, आप ऐसे ही सफल कार्यक्रमों का संचालन करते रहें। समाज में कुछ रावण की प्रवृत्ति और प्रकृति वाली गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, जो राम के नाम को भी बदनाम किए जा रही हैं, पर राम के घर देर है, अंधेर नहीं। इसी शुभ आशा के साथ श्री राम मंदिर निर्माण समिति के युवा नेता मनीष पांडे जी ने देश के भटक रहे युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए समाज की महिलाओं को और माताओं को उन्होंने निवेदन किया, उनका सम्मान बढ़ाते हुए उन्हें ये जवाबदारी सौंपी कि वो हमारे समाज में भटक रहे युवा जो नशा और सट्टाखोरी में भटक रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे। समाज की महिलाएं माताएं इस जवाबदारी को दिल से निभाएं और अपना 110% का सहयोग दें, उन्हें मार्गदर्शन दें, और इस जवाबदारी को निभाने की जो कि माताएं ही कर सकती हैं। इस निवेदन को मैंने सुना और आप सब से इस जवाबदारी को साझा करने की मेरी कोशिश है, मनीष जी की बात पहुंचाने की कोशिश है हर माताओं के लिए। तो आइए मनीष जी को सुनते हैं। जो सबसे बड़ी खराब जो चीज चल रही है वो नशा
आज ऐसा पूरे भिलाई क्षेत्र और पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज कोई ग्राउंड नहीं बचा जहां लोग खुलेआम शराब नहीं पीते हो। आज कोई मोहल्ला नहीं बचा जहां लोग खुलेआम शराब नहीं पीते हो। आज यहां पे ड्रग्स भिलाई के अंदर ड्रग्स नाम की चीज कभी सुनाई नहीं देती थी, पर इन चार सालों से ये ड्रग्स भी भिलाई के अंदर सुनाई देने लगा है। जहां पे आपके भविष्य को कलम पकड़ना चाहिए, जहां पे स्कूल जाने की शिक्षा होनी चाहिए, जहां कॉलेज जाने की शिक्षा होनी चाहिए, आज यहाँ पे लोगों को शराब की बोतल और सट्टा पट्टी में लोगों को लगाने का काम चाहिए। आप सब मात्र शक्तियों से मैं आह्वान करना चाहूँ, निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब यहाँ पे एकत्रित हों, आप जिस भी मोहल्ले से हों, एकत्रित होकर इसके खिलाफ ये अभियान चलाइए। और आप अगर अभियान चलाएंगे, हम जैसे लोग भी आपके पीछे चलने को तैयार हैं। ये आज के समय के भिलाई के भविष्य को खराब करने वाला काम हो रहा है। आज भिलाई में हम लोग क्या बोलते हैं? आज भिलाई में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है। आज भिलाई में दुर्ग विश्वविद्यालय जहाँ पे 140 कॉलेज है, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, जिसके अंतर्गत जो बच्चा पढ़ता है पूरे बैंगलोर से लेकर पूरे विदेश तक जाता है। आज पूरे देश की जो सबसे बड़ी संस्था है IIT, वो हमारे भिलाई में है। और इस भिलाई की पहचान जो है वो शिक्षा के लिए है, और इस शिक्षा के पहचान को शराबखोरी और नशाखोरी में जो लोग ढालने की कोशिश कर रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मैं ये बात को कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग 3-4 साल पहले महिला कमांडो का गठन हुआ था और उसमें से बहुत सारे पुरुष सुधर भी गए थे, मोहल्ले में जो लोग डरते थे शराब पी के आपके मोहल्ले में आने के लिए, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि मैं छावनी, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में छावनी आता है, वहां की महिलाएं हमेशा ये बात करती थी भैया आप हमारे साथ खड़े रहो और हमको सहयोग करो। इसलिए मैं ये बात आप लोगों को करते हुए जा रहा हूँ कि आप सब सशक्त महिलाएं हैं, इसके तरफ भी ध्यान देंगी। आपने मुझे बुलाया और इतने देर तक मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।